हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हार्ट एंड सोल चैनल। हमारे घर में हो रही है मनसा पूजा की तैयारी और हम जा रहे हैं अभी मनसा पूजा के लिए घट में, जो कलश है उसमें पानी भरने के लिए। मनसा पूजा के लिए कलश में जो पानी भरते हैं वो हम तालाब में जाकर ही भरते हैं। यहाँ हम स्नान कर जाते हैं। मनसा पूजा जो होता है वो किसी पुरुष के हाथों से ही होता है। आपने चांद सौदागर की कहानी सुनी होगी, जिसमें मनसा पूजा के लिए चांद सौदागर ने ही पूजा किया था। चल घर से पहले हले जानो ना हमको। हमारे घर में भी मनसा पूजा होता है, पर कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती। हम घट स्थापना करके ही पूजा करते हैं। अभी शाम का वक्त है और कलश में पानी भरने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुँचें। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सामने मेरी जेठानी जी है। यहाँ हम धूप धूना दिखाकर ही कलश को घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। जहाँ कलश स्थापना करते हैं वहाँ अल्पना दिया जाता है। यहाँ मैंने अल्पना दिया है। कलश स्थापना हो गई है। अब हम थोड़ी देर में पूजा के लिए बैठेंगे। ये देखिए, हमारे घर के दोनों बच्चे माँ मनसा को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो जो है, आपने इनका वीडियो देखा होगा। और मम्मी जी है गोदी में लिए हुए। अब हम लोग पूजा में बैठेंगे। पंडित जी पूजा की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा घर का मंदिर है। मनसा पूजा में हम दोनों हस्बैंड वाइफ उपवास करते हैं और पूजा संपन्न करवाते हैं। पूजा में फल प्रसाद सब कुछ चढ़ाया जाता है, पर कोई भी सामान जिसमें लार हो या फिर वो पिछला हो वो नहीं चढ़ाया जाता। पूजा करने के बाद हम ये प्रसाद खा रहे हैं कि सुबह से हमने पानी भी नहीं पिया है, चाय भी नहीं, कुछ नहीं। निर्जला उपवास रखा जाता है और पूजा करने के बाद आप
फल प्रसाद आदि खा सकते हैं। हम यहाँ पूरी पूरी सूजी ये सब कुछ नहीं खाते, बस ये भोग जो है बस यही खाते हैं। अरे एक लाइटर छाड़ो, वीडियो तो तुलवो। अब सुबह हो गई है, सुबह हम अभी जो कलश है अभी कलश विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। हम वापस हम सुबह तालाब में जाते हैं और यहीं पर कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन करने के बाद घर में हम षष्ठी पूजा करते हैं, जिसमें षष्ठी माँ की पूजा की जाती है। और उसके बाद हम जो बासी मतलब रखते हैं पान्ना, जिसे बोलते हैं बासी भातर पान्ना, हम लोग वही करते हैं। मतलब जिस दिन पूजा होती है उसी दिन हम चावल सब्जी ये सब बना के रख लेते हैं, और बाद वाले दिन जिस दिन कलश विसर्जन होता है उस दिन हम खाना नहीं बनाते, उस दिन उसी को खाते हैं। जो बासी होता है खाना उसी को खाया जाता है। तो जब हम पूजा करेंगे उसके बाद ही किसी को चाय या कुछ पीने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो हमारा घर का चूल्हा है उसमें हम पूजा करेंगे। तो करीब 5:30 बजे हम लोग ये पूजा स्टार्ट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ पर भी अल्पना दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्पना देने की ज़रूरत नहीं है, बस पूजा करने के लिए दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ षष्ठी माँ की पूजा की जा रही है, जो चूल्हा होता है उस पर। इसके बाद हम चाय पानी पी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस पूजा में बने रहे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दें। हमारी पूजा संपन्न हो गई है, बाकी पूजा का सामान मैं मंदिर में रखने जा रही हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू, बाय बाय।